Yeah, good afternoon. How are you all? I'm fine. Yeah, Raj. Vaishnavi, I can't see you. Come on. Video on below. Yeah. Vaishnavi, Gopika, Rupali, Subhashri, Shubham, Grishma, Yashashri, Harshali, Namrata. Nidhi, I can't see you. Nidhi, please, apna video on karlo. Har lecture mein bataungi aapko main. Last lecture mein bhi bola tha. Mandar, switch on your video, please. Anne Maria Joy. Hello, everyone. Achha, tell me something. Last lecture mein kisi ko koi doubt hai? Laws of motion ka, hum log ne definition padha tha. Motion kya hai, iska definition bhi kaha tha, right? Kisi ko koi doubt hai? Okay, great. तो मैं पहले किसको चूज करूं? मैं पहले चूज करता हूं सत्यम. सत्यम अनम्यूट योरसेल्फ. कर लेना ऐसे ऐसे याद रखना ऐसे. हाँ ओके ग्रेट. मुझे बताना व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स. व्हाट मीनिंग ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स मींस स्टडी ऑफ नेचर. वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड. ओके आप खोल लेना. रूपाली, रूपाली, रूपाली आग बंद कर लो फटाफट. आग बंद कर लो ऐसे ऐसे. हाँ वेरी गुड. ओके टेल मी, हमारा पूरा साइंस को हम लोग कितने कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं? जल्दी कौन से फोर? अनम्यूट हो गया, आप जोर से बात कर सकते हो. थोड़ा जोर से बात करो, थोड़ा अनम्यूट हो जाओ पहले. हाँ अभी बात करो. ओके रूपाली और ऑडियो इज नॉट ऑडिबल, जाने दो, हम लोग बाद में बात करेंगे. गोपिका, गोपिका, गोपिका अनम्यूट योरसेल्फ. या आग बंद कर लो. सर आई एम न्यू. व्हाट यू आर न्यू? ओके नो प्रॉब्लम, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम देन. शुभम आग बंद कर लो. यस सर. या आग बंद कर लो. या सुभाषी आई विल कम टू यू. वेट हम लोग कौन चैप्टर, ये पूरे सब्जेक्ट को कौन से चार पार्ट में पढ़ने वाले हैं? जल्दी सर हम लोग फिजिक्स, फिजिक्स मैक्सवेल और ओके फिजिक्स और बायोलॉजी. बायोलॉजी ओके मैक्सवेल बायोलॉजी और केमिस्ट्री. केमिस्ट्री हाँ सर. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड एक और सब्जेक्ट रह गया जिसमें हम लोग फिजिक्स. ठीक है टेल मी व्हाट इज फिजिक्स. सर बायोलॉजी. टेल मी व्हाट इज फिजिक्स. सर मैं बताऊ? हाँ आप ही बताओ. फिजिक्स, फिजिक्स मींस स्टडी ऑफ नेचर. वेरी गुड शुभम, वेरी गुड, वेरी गुड. सर म्यूट करूं क्या? हाँ 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 सुभाषी क्लोज योर आईज, कम ऑन क्लोज योर आईज. टेल मी व्हाट इज मोशन. चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट. चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट? नो सर. डायग्राम इमेजिन करो, डायग्राम इमेजिन करो. चेंज ऑफ समथिंग ऑफ ऑब्जेक्ट. चेंज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट. नहीं चेंज ऑफ समथिंग. ऑब्जेक्ट का क्या? पोजीशन. हाँ फाइनली अभी बोलो. चेंज ऑफ इट्स, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स पोजीशन. चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. चेंज ऑफ पोजीशन इज ऑब्जेक्ट. हाँ इस कॉल्ड इस सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. Which respect to surrounding is called the laws of motion. No, it's not laws of motion. It's just motion. Laws of motion नहीं है वो. वो सिर्फ motion है. The change of position of any object, किसी भी object का जब position change करता है वो, है ना? तो उसको ऐसे बोलेंगे ना अपन. The change of position of any object with respect to its surrounding. मतलब क्या? उसके surrounding के साथ. तो हम लोग उसको बोलेंगे motion. चलो यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई है किसी को यहाँ तक समझ में नहीं आया? मैं वापस बताऊं मोशन क्या है. गोपिका यू डू वन थिंग, आप किसी से नोट्स ले लेना ठीक है. उनसे आपके कोई फ्रेंड्स रहेंगे ना यहाँ पे? हाँ तो उनको कॉल करना, उनसे पूछना कि मैंने क्या सिखाया और आप पढ़ लेना. कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछना, मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा ठीक है. नो प्रॉब्लम. चलो आगे बढ़ते हम लोग.
क्या यहां तक सबको समझा कि मोशन क्या है? ये सबको क्लियर है? हाँ या ना? बोलो बोलो। ओके चलो, हम लोग अब क्या करेंगे ना, वो पहला आपको मैंने एक पेज छोड़ने बोला था ना, ये जो लिखा था आपने, इसके बाद एक पेज आपने छोड़ा है क्या, या डायरेक्टली आपने लॉज ऑफ मोशन लिख दिया? डायरेक्टली लॉज ऑफ मोशन। ओके, एक काम करो, ये लॉज ऑफ मोशन लिखा है ना, इसके बाद एक पेज छोड़ना, एक्चुअली दो पेज छोड़ लेना, सर क्लास का ऐप का नाम क्या है प्लीज बोलो, एक्सेलेंट, आप ये केशव सर से पूछ लेना। ओके फाइन, सबका ध्यान यहाँ पे अभी। हाँ तो ध्यान दो सब लोग, हम लोग क्या करेंगे ना, हर चैप्टर पे पहले पेज को, पहले दो पेज को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या करेंगे, सिर्फ चैप्टर का नाम लिखेंगे हम लोग, और जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में इंडेक्स होता है ना, जहां पे चैप्टर के नंबर नेम्स होते हैं और नंबर्स होते हैं, वैसे हम लोग चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स के नाम लिखेंगे। तो पहला दो पेज आप सबको छोड़ के रखना है, ठीक है, और जैसे जैसे हमारा टॉपिक खत्म होता है आपको टिक करते जाना है वो टॉपिक को। फॉर एग्जाम्पल पहला टॉपिक का नाम था इंट्रोडक्शन, है ना, जिसमें मैंने आपको मोशन क्या है ये सिखाया था, राइट। सेकेंड टॉपिक का नाम है डेस्टिन्स, थर्ड टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ टॉपिक का नाम है एग्जाम्पल्स ऑन डेस्टिन्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इतना हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे, तो इतना मैंने आपको लिखा दिया, जैसे जैसे आपके लेक्चर खत्म, लेक्चर में कवर होते जाते, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके बुक में इसको टिक करते जाना है, जो जो चैप्टर खत्म हुआ, जो जो टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। सबको समझ में आया मैं क्या बोला, सर कहाँ टिक करना है, यहाँ पे अभी नहीं, जैसे हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद टिक करना है आपको, ठीक है। और जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ने को चालू करोगे, चैप्टर को पढ़ने को चालू करोगे, तो पहले यहाँ पे देखना है क्या क्या टॉपिक है, उसके बाद आगे बढ़ना है। एम आई क्लियर? सब लोग ये टॉपिक का नाम लिखो फटाफट, चलो एक पेज लो, फ्रेश पेज लो और लिखना स्टार्ट करो। आई गिव यू 60 सेकेंड्स, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, अच्छा नहीं, रॉन्ग इट डाउन है, सॉरी। ग्रीष्मा आपका वीडियो ऑन नहीं है मैडम, निधि, ग्रीष्मा यार आपको बार बार बोलना पड़ता है, डोंट डू इट, थक जाऊंगा मैं। निधि, निधि भानुशाली, निधि भानुशाली, निधि भानुशाली, निधि भानुशाली, वीडियो ऑन करो प्लीज। अनिरुद्धा, साहिल 81221, साहिल, राज 39, राज कोलंकर, यार एक और बार देखा, मैं वीडियो ऑफ है तो मैं लेक्चर से निकाल दूंगा, ठीक है। अनिरुद्ध, आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, प्लीज पुट योर वीडियो ऑन मोड। अनिरुद्ध, I'm giving you the last warning, इसके बाद अगर आपका वीडियो ऑफ रहा तो मैं लेक्चर से निकाल दूंगा, ठीक है। साहिल वीडियो ऑन रखना है, राज वीडियो ऑन रखना है, अनिरुद्धा I can't see you, okay, सर राइटिंग होगा। ओके मैडम, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखो सब लोग इंट्रोडक्शन को टिक कर लो, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो कल ही हम लोग ने खत्म कर दिया था. द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ मूव, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मोशन, ये सब है ना. ओके कोई है जिसको ये नहीं मालूम, ये जो डायग्राम मैंने आपको कल सिखाया था और ये डेफिनेशन जो पढ़ाया था, ये आप किसी को याद नहीं है, ऐसा कोई है क्या? सबको याद है? ठीक है, जब भी डायग्राम आप पढ़ते हो ना, सॉरी जब भी आप डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो ट्राई करना कि डायग्राम के साथ पढ़ो, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक का नाम पढ़ो सब लोग एक बार. डिस्टेंस. किसी ने सुना है क्या इसके पहले ये वर्ड डिस्टेंस? किसी ने सुना है डिस्टेंस क्या होता है? हाथ उठाओ, किसको पता है व्हाट इज डिस्टेंस? सुना तो होगा ना सबने, हाँ या ना तो बोलो यार, रिस्पॉन्ड करो. सुना तो होगा ना डिस्टेंस? यस सर. गोपिका नहीं सुना है आपने कभी डिस्टेंस? यस सर. है ना. ओके मुझे कौन बता था? राज आपको, आप मुझे बता सकते हो क्या? आपने ये वर्ड तो सुना होगा ना राज, डिस्टेंस क्या है? आप मेरे को बता सकते हो क्या है डिस्टेंस? राज आप बता सकते हो डिस्टेंस क्या है? राज आपको पता है डिस्टेंस क्या है? राज सर. यस. हाँ क्या है डिस्टेंस बताओ मेरे को. सर डिस्टेंस मतलब हम जिधर से स्टार्ट करते चलना, इसको किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस कहते. किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस देते हम लोग? नहीं बॉस ऐसा नहीं होता. सर इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन को डिस्टेंस बोल दोगे मैडम आप? नो सर. इट इज राइट बट नॉट कंप्लीटली राइट. सर डिस्टेंस इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट. हाँ ओके. और गुड गुड सुभाषी गुड. और किसी को? रूपाली आपको आता है? एन मरिया, जॉय आपको पता है? मंदार सर एक्चुअल पाथ व्हिच इज ट्रैवल. कौन है ये? कौन है ये जीनियस? ओपन करके बैठा है. कौन है ये? हाँ सत्यम. ओके बोलो क्या है? What is the chance? Actual path which is traveled. Okay, not only actual path, length of the actual path. देखो क्या मैं बता रहा हूँ. सबका ध्यान यहाँ पे. Imagine करो. सब लोग unmute कर लो. सब लोग mute कर लो. सब लोग mute करो. मुझे बहुत सारे आवाजें आ रहे हैं. डर लग रहा है मुझे. Mute करो सब लोग. Yeah, okay. देखो ये मैं हूँ. Imagine करो कि ये मैं हूँ. ठीक है? देखो ये मेरा आँख है. जो भी है ये मैं हूँ. ठीक है? और मैं एक पोजीशन पे खड़ा हूं, पोजीशन ए. यहां तक सबको समझ में आया? ये मैं हूं और मैं पोजीशन ए में खड़ा हूं. अच्छा मैं ए से पोजीशन बी पे चला गया. यहां तक सबको समझा? मैं पहला कौन से पोजीशन पे था? मैं पोजीशन ए पे था. मुझे कहां पे जाना है? मुझे पोजीशन बी पे जाना है. ठीक है? अच्छा मैं ए से चलना शुरू किया, फिर मैं ऐसा गया, फिर मैं गया बी में. देखो मैं सीधा सीधा भी जा सकता था, लेकिन मेरी मर्जी, मैं कैसे भी जाऊं आपको प्रॉब्लम है, मुझे जाना है, मेरा लाइफ है, मैं कुछ भी करूं. राइट? तो मैं चला गया, ये पाथ से चला गया. ठीक है? आपको समझा? एक स्टोरी समझा. मैं पहले कौन से पोजिशन पे था? पहले था मैं बाद में कहां पे चला गया? बी. सिंपल है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है. अब मैंने पूछा कि मैं कितना डिस्टेंस कवर किया, मेरे को पता नहीं कि मैं कितना चला. ठीक है? मतलब लोग पहले के जमाने में, अगर समझो आपके पास कोई मेजरिंग डिवाइसेस नहीं होते, ठीक है, और अगर आप किसी को पूछते कि बॉस आपका घर कितना दूर है, वो कभी बता पाता क्या आपका घर कितना दूर है? आज के डेट पे आप बता सकते हो ना कि आपका घर आपके स्कूल से कितना दूर है? 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3. हम लोग बात कर सकते हैं. राइट? तो इसको मेजर करते हैं ना, वो मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं लेंथ. फॉर एग्जांपल समझो मैं यहां से चलना स्टार्ट किया और मैंने मेरे हाथ में ना एक टेप ले लिया. वो टेप होता है ना जिसमें स्केल होता है, सबको पता है वो टेप होता है जिसमें ऐसा स्केल होता है,
जिसमें नंबर होते हैं 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, है ना, स्केल, एक नॉर्मल स्केल। तो मैंने क्या किया, वो स्केल लिया और मेजर करना चालू किया, मेजर करना चालू किया, मेजर करना चालू किया। तो यहाँ पे पूरा मैंने मेजरमेंट लिया, जितना चला ना मैं इसका सारा मेजरमेंट लिया और मुझे एक वैल्यू मिला और वो वैल्यू को मैंने बोल दिया डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस, अभी डिफाइन करेंगे। देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम किसी ने पूछा डिस्टेंस क्या है तो आपको बताने को आना चाहिए व्हाट इज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ का मतलब हम लोग जो भी स्केल से मेजर करते हैं ना उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। अपना खुद अपना पेंसिल का एक लेंथ है ना, अपने हाइट का एक लेंथ है, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ। तो डिस्टेंस क्या है, सबका ध्यान है यहाँ पे, सबका ध्यान है यहाँ पे, हाँ, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ। अभी लेंथ क्या है, लेंथ इज नथिंग बट द मेजरमेंट ना, मेजरमेंट को ही लेंथ बोलते हैं। So distance is nothing but the length, किसका length, किसका length, ये सबसे important चीज है, the length of actual path। अब मैंने ये word क्यों use किया, actual path क्यों use किया, सुनो बहुत important है, क्योंकि देखो मैं कितना complicated path से चल के गया यहाँ, ठीक है, और जब मैं measurement कर रहा था तो मैं हर एक पॉइंट का मेजरमेंट कर रहा था ना, तो मैं मेरा ये अगर मैंने बोला ये मेरा एक्चुअल पाथ है तो मैं एक्चुअल पाथ का लेंथ मेजर कर रहा था ना, समझा क्या मैं क्या बोला, समझा, इसलिए डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ, लेंथ किसका लेंथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ओके, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस आज के बाद किसने पूछा क्या बोलोगे, डिस्टेंस इज नथिंग बट बोलो लेंथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। यहां तक हो जाएगा सबसे, आर यू श्योर एवरीवन, सबको यहां तक आ जाएगा, ओके फाइन, एक काम करो डिस्टेंस हेडिंग दो और लिखना चालू करो फटाफट, कम ऑन, और ये डायग्राम बना लो पहले, नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों, ठीक है, आपको आंसर करने को आना चाहिए। डायग्राम बना लो, वो मैं हूं, वो मेरा पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी में चला गया, लिख लो फटाफट, लेंथ ऑफ, चलो इसके नीचे डेफिनेशन लिखो, लेंथ ऑफ किसका लेंथ, बोलो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ, हमेशा ये वर्ड्स को ना, जो भी वर्ड सुन रहे हो ना आप लोग, इसको ना विजुअलाइज करो, ठीक है, लेंथ को विजुअलाइज करो, लेंथ को कैसे विजुअलाइज करोगे, वो स्केल से, है ना, लेंथ किसका लेंथ, एक्चुअल पाथ को, आज एक्चुअल पाथ का लेंथ, ये सारी चीजों को विजुअलाइज करते करते पढ़ो तब चीजें याद रहेगा आपको, ठीक है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट, बोलो, डिस्टेंस। रूपाली आपको समझा है, रूपाली समझ रहा है आपको, हाँ
ओके ओके मैडम. अदिति, ग्रीष्मा, ए डी डबल वन, वन डबल टू वन, साहिल, आप लोगों को समझ रहा है? यस सर. ओके फाइन, ठीक है. तो डिस्टेंस सबको समझ गया. अब डिस्टेंस को जाओ, इसके नीचे एक और पॉइंट लिखो. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन, एक और पॉइंट लिखो. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स एक्सेट्रा, मिलीमीटर्स, ऐसे बहुत सारे. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स एक्सेट्रा. निधि, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, कैन यू डिफाइन व्हाट इज ले, व्हाट इज, डिफाइन कर सकते हो आप बिना देख के? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय बॉडी और टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस. चलेगा, वेरी गुड, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी सब लोग ये टॉपिक को टिक कर लेना, डिस्टेंस खत्म हो गया हमारा. नेक्स्ट टाइम आपको किसी ने पूछा ना कि डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो आपको बोलने को आना चाहिए डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ. ठीक है, ये वर्ड याद रख लेना. किसी को भी बताने को आना चाहिए डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ. किसका लेंथ? एक्चुअल पाथ का लेंथ. ठीक है, डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी. द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी. सबको समझा है? सिद्धि, आपको समझ में आया? सिद्धि, आपको समझा? यस सर. ओके ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक का नाम पढ़ो सब लोग एक बार. डिस्प्लेसमेंट. 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 सिर्फ कुछ ही लोग हैं क्या क्लासरूम में, बाकी लोगों का आवाज क्यों नहीं आ रहा है? एवरीवन, टॉपिक का नाम पढ़ो, पार्टिसिपेट करो यार, नहीं तो कैसे लगेगा कि लाइव लेक्चर. डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट. वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट. वेरी गुड. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट. चलो वापस हम लोग सेम छोड़ लेते, सबका ध्यान यहाँ पे. अभी सब लोग सब कुछ छोड़ देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, बस यहाँ पे ध्यान देंगे. चलो यहाँ पे देखो सब लोग, हम लोग के पास एक पॉइंट, मैं हूँ ये, मैं हूँ ये, कौन है? ये मैं हूँ, ये मेरा पॉइंट ए है. ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा पॉइंट ए है, और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा हूँ. चलेगा? ये मेरे को बहुत फैमिलियर क्यों लग रहा है कि ये मैं हूँ, ये मेरा पॉइंट ए है. ठीक है, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा हूँ. अच्छा, हाँ, राइट, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, थैंक यू थैंक यू. ये वहाँ पर पारी हो रही है. ओके ठीक है, यहाँ पे सब लोग, सॉरी सॉरी फॉर दैट. या तो ये मैं हूँ, मैं कौन से पोजिशन पे खड़ा हूँ? पॉइंट, बोलो मैं कौन से पोजिशन पे खड़ा हूँ? पॉइंट ए में. जाना कहाँ पे? पॉइंट बी. ग्रेट. अच्छा, अगर मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पाथ से होते हुए जाऊं तो आप लोग को प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए. मैं कुछ भी करूं, मैं कहीं से भी जाऊं, राइट? तो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में एक कॉम्प्लिकेटेड पाथ लेते हुए चला गया, मतलब ऐसे ऐसे घूम फिर के गया, मेरी मर्जी, राइट? हाँ या ना? नहीं होना चाहिए. ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको पूछा कि यहाँ पे मेरे डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो आप बता दोगे अभी डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस इज नथिंग बट, बोलो, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, ये बता दोगे. अच्छा, अब मैं आपको पूछा कि इस पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या है? सोचो आराम से, क्या बोलूं? एक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. वापस बोलूं? एक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. एक्शन, एक्शन. नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान दो यहां पे. डिस्प्लेसमेंट, ये वर्ड को समझो. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होना? डिस्प्लेस होना. याद आता अगर हमने तोड़ दिया डिस्प्लेसमेंट को, पहला वर्ड क्या है? डिस्प्लेस होना. अपने जगह से खुद को कितना डिस्प्लेस किया, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. अब देखो,
अगर ये इसका पहला पॉइंट है, इसको समझो इसको एक रेफरेंस लाइन पकड़ लिया मैंने, एक लाइन है ये, तो बॉडी पॉइंट पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ से पॉइंट दूर गया, देखो दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे, दूर जा रहे, दूर जा रहे, दूर जा रहे, यहाँ तक दूर गया, फिर बॉडी वापस पास आने लगा, देखो वो लाइन के यहां तक देखो एकदम पास आ गया, वापस दूर जाने लगा, यहां तक वापस बॉडी पास आने लगा। बोलने का मतलब क्या है कि बॉडी कभी खुद के पहले पोजीशन से दूर जा रहा है पास आ रहा है, दूर जा रहा है पास आ रहा है, दूर जा रहा है पास आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि हमारे दोनों पोजीशन के बीच में फर्क है कि नहीं। मतलब देखो अगर मैंने बोला कि पोजीशन ए और पोजीशन बी के बीच पे जो भी डिस्टेंस है, मैं क्या बोला, पोजीशन ए और पोजीशन बी के बीच पे जो भी डिस्टेंस है इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, फिर फर्क क्या है, अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक छोटा सा फर्क है, देखो अच्छे से सुनो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट सुनो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, बट द कंडीशन इज displacement is the minimum distance. Displacement distance ही है, पर displacement पता है कौन सा distance है, minimum distance travel by a body between its starting point and finishing point. मतलब अगर मुझे कोई भी A point A है और ये point B है, मुझे point A से point B तक जाना है, तो मेरे पास तो हजारों तरीके हैं ना जाने के, मैं ऐसा जाऊं या फिर मैं ऐसा जाऊं, मैं ऐसा घूम फिर के ऐसे 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 घूम फिर के जाऊं, मेरे पास हजारों तरीके हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए। लेकिन सबसे कम डिस्टेंस जो पॉइंट जो पाथ सबसे कम डिस्टेंस लेगा उस पाथ को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। वापस बता रहा हूं, ये आपका घर है ठीक है, ये आपका स्कूल है ठीक है, आपके घर से आपका स्कूल जाने के लिए आपके पास पांच रोड है, ये ऐसे जा सकते हो आप रोड नंबर वन, आप ऐसे जा सकते हो रोड नंबर टू, आप ऐसे जा सकते हो रोड नंबर थ्री, आप ऐसे जा सकते हो रोड नंबर फोर, ऐसे बहुत सारे रोड है आपके पास जाने के लिए। बट जो सबसे छोटा रोड से आप जब जाओगे ना स्कूल को, समझो ये रोड जो है ये सबसे छोटा रोड है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस जब ट्रैवल करोगे ना, सबसे मिनिमम डिस्टेंस जब ट्रैवल करोगे ना, उस डिस्टेंस का नाम हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। सो डिस्टेंस द मिनिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है, लेकिन कौन सा है वो मिनिमम डिस्टेंस है। अब मुझे बताओ, अब ये डायग्राम पे आओ, अब मुझे पता है आपको ठीक से समझा नहीं होगा, अब ये डायग्राम पे आओ और देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए पता है आपको सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा पता है आपको, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का खुद का एक प्रॉपर्टी है इस दुनिया में, स्ट्रेट लाइन ही ऐसा एक कर्व है जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचाएगा। इसका मतलब ये अगर आपका स्कूल है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, आपको घर से स्कूल जाने के लिए तीन रास्ता है, एक ऐसा घूम के कर्व करके जाना है, दूसरा ऐसा कर्व करके जाना है और तीसरा सीधा सीधा चले जाना है। तो हमेशा याद रखना आप कभी कर्व रास्ते नहीं लोगे, आप हमेशा स्ट्रेट रोड पर जाओ। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही ऐसा फिगर है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको मिनिमम डिस्टेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचा सकता है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, सबको समझ में आ रहा है? तो देखो वापस बता रहा हूं मैं, सबका ध्यान यहां पे, मैं वापस बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट
is nothing, but what it is? It is just a distance. But the only condition is, it is the minimum distance. Displacement is the minimum distance. Traveled by a body from ये कौन सा पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट टू कौन सा पॉइंट है ये फिनिशिंग पॉइंट इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट समझ में आया डिस्टेंस सबको समझ आया मेरे को सब लोग अपना अनम्यूट करो माइक और बोलो व्हाट इज डिस्टेंस डिस्टेंस इज नथिंग बट बोलो क्या Minimum travel by a body is called as distance. अच्छा displacement भी एक distance है कि नहीं हाँ या ना हाँ displacement भी एक distance है but कौन सा distance है minimum very good displacement is a minimum distance between minimum between Starting point and finishing point. Very good. सबको समझ में आया है सबको समझ में आया हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके बारे में पहले आप एक डायग्राम बना लो चलो फटाफट साहिल समझे आपको हाँ ना यशस्वी समझा आपको गुड मंदार समझा है मैं इतनी बार समझा है इसलिए पूछ रहा हूं आप लोगों को क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं ओरल लेने वाला हूं एंड बाय चांस किसी ने मेरे को नहीं बताया ये सब चीजें तो याद रखना पूरा दिन भर आप लिखते बैठ जाओगे इतना असाइनमेंट दे दूंगा मैं पांच टाइम दस टाइम लिखने पड़ेंगे आपको ठीक है तो कुछ भी डाउट है अभी क्लियर करो मेरे से अभी डन ओके चलो डेफिनेशन लिखो इसके नीचे सब लोग The minimum distance. The minimum distance traveled by a body. The minimum distance traveled by a body between the minimum distance traveled by a body between its starting point and finishing point the minimum distance traveled by a body between its starting point and finishing point is called as the minimum distance traveled by a body between its starting point and finishing point is called as displacement. It's called as displacement. और ये डायग्राम में लिख लो आपको पता होना चाहिए displacement क्या है ये डायग्राम में ये जो स्ट्रेट लाइन बनाया ना ये है आपका displacement. जो स्ट्रेट लाइन है ना वो आपका displacement है क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर है यस सर अब बता पाओगे मेरे को डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है बता पाओगे आप लोग मेरे को हाँ चलो एक एग्जांपल लेता हूँ फिर आज का लेक्चर खत्म कर देते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी है उसको सुन लो
सब लोग टॉपिक का नाम पढ़ो क्या लिख रहा हूँ. Example on distance and displacement. Very good. Examples on and displacement. अब करें नहीं आप हैं. एक स्टोरी है छोटा सा. चल सब लोग अनम्यूट कर लो अभी. सॉरी, I mean म्यूट कर लो. सॉरी, म्यूट कर लो सब लोग. चलो, एक स्टोरी है छोटा सा. ठीक है, इसको सुन लो पहले. एक घर है. This is my best drawing, तो कोई हंसेगा नहीं. ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा मैं बना नहीं सकता है, और ना ही मैं स्कूल में आज तक कभी बनाया हूँ इससे अच्छा ड्रॉइंग. कोई हंसेगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं. ओके, ग्रेट. तो ये घर है. घर में एक लड़का रहता है प्रशांत, और उसकी बहन रहती है शीतल. हो सकता है ना, एक घर में भाई बहन रहते हैं. कोई अर्थ में होता है ऐसा, मार्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट? ठीक है. यहां पे एक और घर है. यहां पे रहती है संगीता. अब ये प्रशांत, शीतल, संगीता, ये मेरे दोस्त नहीं है, ये आपके टेक्सटबुक में नाम है तो मैंने वो ही दे दिया. ठीक है, तो एक है प्रशांत, एक है शीतल और एक है संगीता. अच्छा, आपको पता है तीनों जन सेम स्कूल जाते हैं. व्हाट अ कोइंसिडेंस. तीनों जन सेम स्कूल में पढ़ते. किसी को प्रॉब्लम है क्या वो लोग के सेम स्कूल में पढ़ने से? गुना भी नीचे उनका लाइफ है, कुछ भी करे. ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा ड्राइंग है. इमेजिन कर लो कि ये स्कूल है आपका. ओके, ठीक है. अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्रशांत ना रोज सुबह उठता है और सीधा सीधा स्कूल चला जाता है. और जब प्रशांत सीधा सीधा स्कूल जाता है तो पता है उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है? 1300 मीटर का. चलेगा, चलेगा. 1300 मीटर का मतलब है असली में 1.3 किलोमीटर होता है. ठीक है, इतना भी ज्यादा नहीं होता है, चल लेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं. तो 1300 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. किसको? प्रशांत. अभी शीतल जो है वो सीधा सीधा स्कूल जा सकती थी, बट उसकी बेस्ट फ्रेंड है संगीता, राइट? तो उसको संगीता के साथ जाना होता है. तो वो क्या करती है, पहले संगीता के घर जाती है, और संगीता के घर जाने के लिए उसको 500 मीटर चलना पड़ता है. कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है? 500 मीटर. और फिर संगीता और शीतल दोनों मिलके स्कूल जाते हैं, और संगीता के घर से स्कूल का डिस्टेंस है 1200 मीटर. इतना क्लियर है क्या ये स्टोरी? सबको क्लियर है क्या? टोटल अपने स्टोरी में कितने लोग हैं? तीन. नाम बताओ. प्रशांत, शीतल, संगीता. वेरी गुड. प्रशांत, शीतल और संगीता. स्कूल का कौन चला जाता है बोलो? पार्टिसिपेट करो, कम ऑन. स्कूल सीधा सीधा कौन जाता है? प्रशांत. प्रशांत को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है उसके लिए? 1200 मीटर. कि हमको चार चीजें फाइंड करना है. Distance traveled by Prashant, ये find करना है. Second, displacement of Prashant, ये find करना है. Third, distance ट्रेवल्ड बाय संगीता, नहीं शीतल, ये फाइंड करना है. एंड फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ संगीता, ये फाइंड करना है. आपको पूरा स्टोरी समझ में आया क्या?
आपको पूरा स्टोरी समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, चलो निकलो यहाँ तक फटाफट। पूरा डायग्राम बना लो, जल्दी जल्दी लिखो, कम ऑन। हर्षाली, सत्यम, आप लोगों को समझ रहा है मैं क्या बोला? यस सर। कोई डाउट है सत्यम? हर्षाली आपको कोई डाउट है मैडम? पक्का? पक्का? ओके ओके ओके। राज, आपका वीडियो ऑफ क्यों है? नम्रता, आपको समझ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूं? पक्का? राज, आपको नहीं समझ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूं? नहीं सर, समझ रहे, वो गलती से वीडियो ऑफ हो गया था। ओके ओके। सुभाश्री, आपका वीडियो क्यों ऑफ है मैडम? चलो हो गया, जल्दी नो सर, टाइम लोगे, पूरा दिन थोड़ी दे सकता हूं मैं, कम ऑन जल्दी। 10, 9, 8, 7 जल्दी। पलक, आपका वीडियो ऑफ है मैडम। पलक, don't make me repeat myself again and again, it's so much irritating. I mean sir, yeah, I can't see you Palak, I can't see you. It's on, it's not on madam, it's not on. Yeah, now it's on. Okay. राज यार, वापस चले गए आपका वीडियो, क्या कर रहे हो यार? चलो रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी सुनो मेरी बात। देखो सबसे पहला हम लोग प्रशांत के लिए जो भी है ना वो फाइन करेंगे, और उसके बाद शीतल के लिए जो भी पूछा गया है वो फाइन करेंगे। तो मैंने दो अलग अलग कॉलम बना लिए, ठीक है? अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी कोई नहीं लिखेगा, अब सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? ध्यान दो, सबसे पहला प्रशांत का क्या फाइंड करना था, बोलो। डिस्टेंस। वेरी गुड, अपने को क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रशांत फाइंड करना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रशांत फाइंड करना है तो डिस्टेंस का एक मैंने एक डेफिनेशन दिया था, distance is nothing but what? Length of actual part traveled by a body. Length. Distance is nothing but length. किसका length? Actual path का length. अब मुझे यहाँ पे आओ, यहाँ पे diagram पे आओ, diagram पे आओ सब लोग। देखो और मुझे बताओ, ये प्रशांत red वाले path उसका actual path बोलूँगा या ये blue वाला उसका actual path बोलूँगा? Red वाला. अगर आपको पूछा कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ प्रशांत कितना है तो आप क्या लिख सकते हो? 1300 मीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो no. किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो no. आगे बढ़ू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय शीतल पूछा है ना, थर्ड देखो क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय शीतल। अच्छा वापस मुझे बोलो, डिस्टेंस का क्या डेफिनेशन है? डिस्टेंस इज नथिंग बट
एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी है ना, ये सबको पता है। चलो अब आप डायग्राम में आओ, यहाँ पे मुझे बताओ शीतल सीधा सीधा स्कूल जा रही थी ना, है ना, है ना मंदार? यस। नो शीतल सीधा सीधा किधर स्कूल जा रही थी यार? शीतल पहले संगीता के घर गई, फिर वहां से स्कूल गई ना। आधे घंटे से चिल्ला रहा हूं मैं, क्या कर रहे हो आप मंदार? प्रशांत सीधा सीधा स्कूल जाता था यार, शीतल की एक फ्रेंड भी है संगीता। अब संगीता को भूल गए क्या? कैसे आप संगीता को भूल सकते हो, कम ऑन मंदार। हाँ ओके ओके। तो शीतल पहले संगीता के घर गई, ये उसका एक पाथ हुआ, और दूसरा पाथ कौन सा है? वो संगीता के घर से स्कूल गई, मतलब ये उसका एक्चुअल पाथ हुआ ना। अब सोच समझ के बताओ, मुझे एक्चुअल पाथ का लेंथ फाइंड करना है, तो पहले इधर का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, है ना? और इधर का लेंथ कितना मिला है मुझे, बोलो? 500 मीटर। प्लस करना पड़ेगा मुझे, वेरी गुड मंदार, करना पड़ेगा मुझे इधर के पार्ट के लेंथ से। और इधर का पार्ट का लेंथ कितना है? 1200 प्लस 500 लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या क्लासरूम में? नो नहीं यार, मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना यहाँ से मंदार? ओके ओके। निधि पलक गोपिका समझ रहे आप लोग को पक्का? ओके यस सर। तो 1200 और 1200 को प्लस करेंगे तो संगीता ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1700। सबको समझाएं, ये सबको समझाएं, लिखो यहाँ तक। देखो हमने ये दोनों चीज फाइंड कर दिया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रशांत एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय शीतल, ये दोनों फाइंड कर दिया। रूपाली वैष्णवी आप लोगों को समझ रहा है पक्का? यस सर। ओके गुड गुड। ग्रीष्मा यशस्वी मंदार जॉय समझ रहा है आप लोग को? यस सर। ओके यस सर। कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज बिंदास पूछना, ठीक है? कुछ भी डाउट रहेगा बिंदास पूछना, ठीक है? सुभाश्री शुभम सिद्धि समझ रहे आप लोग को? यस सर। ओके वेरी गुड। नम्रता साहिल राज कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आया ना? नो सर। साहिल राज समझ रहे आप लोग को? नम्रता आपका ध्यान कहाँ पे मैडम? नम्रता ना कुछ पूछा आपसे अभी? सर समझ रहा है। आप लिख रहे हो कि नहीं? हाँ लिख रही। Are you sure? Yes. Okay. यहाँ पे ध्यान दो नम्रता मैडम। चलो आगे बढ़ते हैं, सबका ध्यान यहाँ पे। अब हम लोग फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे ये क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रशांत का, ठीक है? तो प्रशांत का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं और लेक्चर खत्म करते हैं। प्रशांत ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया ये फाइंड करना है, मुझे बताओ। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही बोला था ना मैंने आप लोगों को, याद है? यस। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस, बट कौन सा डिस्टेंस? कौन सा मिनिमम डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। एक और लेवल डीपर जाएंगे अपन। मुझे बताओ ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा फिगर है जो हमको मिनिमम डिस्टेंस देता है? सर्कल, स्ट्रेट लाइन समझा मैं क्या? ठीक है चलो डायग्राम में आ जाओ।
मुझे बताओ प्रशांत का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, उसका घर? प्रशांत का फिनिशिंग पॉइंट कौन सा? स्कूल। स्कूल घर से स्कूल अगर उसने स्ट्रेट लाइन अगर मैंने हम बनाया तो प्रशांत कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1300। इसका मतलब प्रशांत का मिनिमम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 1300 मीटर है। मतलब प्रशांत डिस्टेंस भी 1300 मीटर कवर कर रहा है और उसमें डिस्प्लेस भी 1300 मीटर ही हो रहा है। प्रशांत स्मार्ट, वो सबसे छोटा पाथ ले रहा है जहां पे उसको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। रुको रुको जॉय, बाद में लिखो यार, रुक जाओ रुक जाओ। अब ध्यान दो, अगर मैं पूछा आपको कि शीतल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मुझे सबसे पहले बात बताओ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्टेंस सब लोग मानते हो, बट कौन सा डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस। वेरी गुड, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। चलो यहां पे आ जाओ, शीतल स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? घर। 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 शीतल का फिनिशिंग पॉइंट कौन सा है? स्कूल। स्कूल। स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट दोनों सेम है ना, भले शीतल ऐसे घूम के गई है। संगीता। संगीता का घर से किया और फिनिश स्कूल पे किया, मतलब प्रशांत हो शीतल हो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम है। तो इसके बीच में अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया और उसका डिस्टेंस निकाला तो क्या लगता है क्या आएगा? 1300। वेरी गुड, समझ में आया मैं क्या बोला? मतलब शीतल ने भी कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 1300। यहां से क्या समझ में आया आपने को? यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रशांत कम डिस्टेंस कवर करके, सॉरी प्रशांत कम डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जबकि शीतल को सेम 1300 का डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए ज्यादा चलना पड़ रहा है, ज्यादा थकेगी, ज्यादा टाइम जाएगा उसका। क्यों? स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही थी। स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही थी। सबको समझ में आया था कॉन्सेप्ट? हाँ यस सर। तो सब लोग इतना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में नहीं करूंगा और आज के बाद जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो प्लीज 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 स्ट्रेट लाइन से जाना, क्योंकि दैट विल कवर मिनिमम डिस्टेंस। सर बोलो। सर आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ संगीता लिखा है? सॉरी दैट इज शीतल, थैंक यू। ओके सब लोग लिख लो, मैं लेक्चर खत्म कर दे रहा हूं, इसका पीडीएफ